फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने ओल्ड मिरर को रीन्यू कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इस मिरर पर काफ़ी सारे ये दाग हैं जो कि अब निकल नहीं सकते, लेकिन हम इसे ओवरकम कर सकते हैं इसे रीन्यू कर। तो अब हम इस पर डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है इस डिज़ाइन के लिए। सबसे पहले ये ग्लास कलर्स जो मार्केट में ईजीली अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आउटलाइनिंग के लिए ये हम ग्लू यूज़ कर रहे हैं, ग्लिटर ग्लूज है। एम्ब्रॉयडरी के लिए जो ग्लू यूज़ की जाती है, ग्लिटर, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम। कार्बन पेपर और एक सिंपल शीट ऑफ पेपर। अब सबसे पहले हम एक पेपर पर कोई भी डिज़ाइन जो आपको पसंद हो वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने पहले से ही एक डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपको अच्छा लगे वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं कार्बन पेपर को मिरर के ऊपर ऐसे अच्छे से रख दूंगी, जिस साइड पर आपने डिज़ाइन बना। अगर ये पेपर ड्रॉ करते समय हिल जाता है तो आपका प्रिंट ख़राब हो जाएगा और आपको कलरिंग के टाइम पर परेशानी हो सकती है। अब मैं ये डिज़ाइन इसके ऊपर रख रही हूँ ऐसे। अब मैं इस डिज़ाइन के ऊपर दोबारा से ड्रॉ करूँगी। सारा डिज़ाइन आपने इस पर प्रिंट कर लेना है। पेंसिल को मजबूती से पकड़कर ज़ोर से ड्रॉ करना है। ये हमने पूरा डिज़ाइन यहाँ पर प्रिंट कर लिया है और ये मिरर के ऊपर आपका प्रिंट हो चुका है। अब हम इस ग्लिटर के साथ यहाँ पर आउटलाइनिंग कर लेंगे। डिज़ाइन अब रेडी है। अब इसे हम सूखने की वेट करेंगे। जब ये थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद ही हम दूसरे कलर्स इसमें यूज़ करेंगे। अब ये सूख चुका है, अब हम इसमें ये कलर्स डालकर इसे डिज़ाइन करते हैं। एक ड्रॉप डालने के बाद उसे इसके साथ ऐसे फैला देंगे। बिल्कुल हल्का सा कलर हमने इस पर लगाना है। ये लीफ हमने पूरी तरह से कलर कर ली है। इसके बाद हम अपनी पसंद के कलर्स बाकी फ्लावर्स में भी भर देंगे। जैसे ये कलर पिंक कलर में यूज़ कर रही हूँ फ्लावर के लिए। पहले से अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि मिरर पर ये कलर फैल जाए।
ये डिज़ाइन पूरी तरह से अब रेडी है। अब हम इसे 24 आवर्स के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह से जब सूख जाएगा तभी हम इसे एक पोजीशन से हिला सकते हैं। अगर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।